यहूदी लीडरों ने कि ये एक औरत है, इसके सात भाई इसके शोहर हैं, तो क्यामत वाले दिन इसका शोहर कौन होगा? ये ऊपर की बात हो रही है कि ऊपर क्या होगा। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि ऊपर भी कुछ शादियां होने वाली है, उन्होंने ये भी सवाल किया, लेकिन यीशु ने कहा आसमान पर ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, वहां पर सब फरिश्तों की इबादत होंगे, वहां पर शादी ब्याह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर यीशु की बादशाहत है, वहां पर खुदा की बादशाहत है, जहां पर यीशु बादशाह है वहां पर पाकीज़गी का ये लेवल है कि हत्ता के शादी ब्याह भी नहीं होंगे। बेशक शादी ब्याह इज्जत की बात है, लेकिन ये दुनिया में है, जब असल बारगाह में जाएंगे तो फिर वहां पर ये भी काम नहीं है। और फिर यीशु ने मरियम मगदलीनी का वाक्या है, जब उसके पास आई तो यीशु ने क्या उससे कहा? यीशु ने उससे कहा देख किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया तो मैं भी नहीं लगाता, जा बेटी फिर गुनाह ना करना। और यीशु ने उन लोगों को बदल दिया जो क्या थे, गुनाह करने। ये किसका असर है? ये उसी का असर चला आ रहा है कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। अब अगली बात गौर करने वाली है, ठीक है, लास्ट जो बात है वो हम करेंगे, शराब, इंसाफ, बादशाह और मजलूमियत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। यहां पे लेमेक की मां क्या कह रही है कि तू शराब ना पीना क्योंकि तू क्या करेगा, कवानीन को भूल जाएगा, और तू क्या करेगा, हाथ तंत्री करेगा। तो जो लीडर है, जो बादशाह है, उनको शराब इसलिए भी मना है, जो भी लीडरशिप में है शराब उसके लिए मना है, क्योंकि अगर वो शराब पिएगा तो फिर वो कवानीन को भूल जाता है, हत्या के अपने आप को भूल जाता है, और उसने किसी का इंसाफ क्या करना है, वो अपने आप के साथ ही इंसाफ नहीं कर पाता। तो इसलिए यीशु ने जब स्लीप पर सिरका दिया गया स्पॉन्ज पे लगा के, तो स्पॉन्ज भी ना पाप जानवर, सिरका भी ना पाप मशरू, यीशु ने तीन वजूहात की बिना पर उस सिरका को नहीं पिया और उसको पीने से इनकार कर दिया। पहली बात, यीशु जो है वो नजीर था, अलुहियत की सारी मामूरी उसमें स्मरण करती थी, उसने उसको पीना ही नहीं था। दूसरी बात, रसूलों के अकीदा में हम क्या पढ़ते हैं कि वो आएगा और जिंदों और मुर्दों का क्या करेगा, इंसाफ करेगा। वो जो असली बादशाह है उसका, जिसे इंसाफ करना है, वो कभी भी इसलिए उसने उस मशरूम पर नहीं चढ़ा क्योंकि उस मशरूम पर चढ़ने से इंसाफ की सलाहियत खत्म हो जाती है, ना उसने जमीन पर, ना शरीर पर, ना जी उठने के बाद और ना आसमान पर कभी किसी ऐसे मशरूम को नहीं चढ़ा जिससे इंसाफ को कमी ना सकती। इसलिए आसमान और जमीन पर खुदा के पास सिर्फ इंसाफ की क्वालिफिकेशन यीशु के पास है, जिसकी मां ने कहा मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। फिर तीसरी बात, लिखा हुआ है कि शराब उसको खराब जो मरने के करीब है, लाश है, और जो तल्ख जान है, कई हवाला देते हैं कि देखो लिखा हुआ पी सकते हैं, लेकिन और करो लिखा हुआ है जिसने मर जाना है, जो मरने के करीब है उसको पिला दो, अगर कोई मरना चाहता तो उसको शराब पिला दो, जो जीना चाहता उसको शराब ना पिलाओ। बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब 84 ज़बूर है, उसकी चौथी आयत से शुरू करेंगे। लिखा है मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। इनको थोड़ी कम कर दीजिएगा प्लीज। चौथी आयत फिर से, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, जिसके दिल में सय्यून की शाराही है, वो वादिये बुखार से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है, वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सय्यून में खुदा के हुजूर हासिल होता है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, मेरी दुआ
सुन ऐ यकूब के खुदा कान लगा, ऐ खुदा ऐ हमारी सिफत देख और अपने मंसू के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन हजार से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। कुरान के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो, आमीन। अजीजों, मुझे जो हिस्सा मिला तरबियत में चर्च का किरदार है, मैं इसके बारे में जब गौर कर रहा था तो मुझे खुशी हुई कि मुझे महदूद नहीं किया गया, लिमिटेड नहीं किया गया कि नौजवानों की तरबियत की बात करनी है। नहीं नहीं, खूबसूरत महफल के लिए और खुदा खुदा तेरे जितने भी खुदाओं ने तेरे कलाम में से तेरे लोगों को सिखाया है उन सारी बातों के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा खुदा ये बच्चे खुदा खुदा जो जैतून के पौधों की मानत हैं अपने लोगों को तौफीक दे के ये इनकी बेहतर तौर पर परवरिश कर सके, तेरे कलाम के मुताबिक रहकर और तेरे खुदा के हुक्मों में रहकर तेरे अंजील मुकद्दस की खुदा खुदा आयात में अपनी जिंदगी बसर करे और उनसे जुड़ जाए मेरे खुदा, ताकि खुदा खुदा तेरा कलाम जो फरमाता है तूने खुद फरमाया था कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तो खुदा हमें इस बड़े भेद की समझ दे दे कि हम इस बड़े भेद को समझ सके, ताकि हम को दबा देने के लिए हमारी बेटी महक शाहिद बोलने महक साहब के लिए लिफ्ट है। बहुत शुक्रिया सर एल साहब, क्योंकि हर वक्त हमारे साथ होते हैं तो ये छोटा सा तोहफा है, तो अफजाल है, तो हर साहब के साथ जाएगा। इसके बाद आप सबकी तालियों में मैं पास्टर अकरम यूनुस गोकर साहब को बुलाऊंगा। सारे ज्यादा नहीं वक्त दूंगा जितना मुझे मैंने महसूस किया 10 से 15 मिनट, लेकिन आप लोगों ने बड़े ध्यान के साथ सुने जो मुझे खानदान का करदार सबूत 121 उसकी PCR की रोशनी, यानी फैमिली बिहेवियर के हालात से मैं अभी आपके सामने बात करूंगा, तो बड़े ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर लिखा है तवज्जो के साथ गौर से सुने आप सबने, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मलर और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर सतून के पौधों की। मैं इन बात इस आयत पर मैं बोलूंगा सुनूंगा तो खुदा का पाक कलाम इन बात से हमें आगाह करता है कि हम इस कलाम को बड़े ध्यान के साथ सुने। तेरी बीवी, इसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो इस आयत के अंदर दी गई है। एक पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको क्या मिला, तोहफा मिला। फिर नेकों का बीवी किसको मिलती है, उसके बाद तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मलर, मेवादार मेवादार जो है इसकी लफ्जी मानी है फलदार, और ताक का मतलब है अंगूरों की बेलों का बाग जहां पर कसर से पाए जाते हैं, और तेरी लाज तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। थोड़ी सी मैं जैतून की तारीफ करना चाहता हूँ, बहुत से तवज्जो के साथ सुनिएगा। जैतून का दरख्त तकरीबन 15 फुट लंबा होता है। जैतून का दरख्त ये जो पाया जाता है अरब मुल्क में पाया जाता है, और जैतून दो किस्म के होते हैं या दो रंग के होते हैं, एक रंग काला होता है
और दूसरा रंग आराम का सब्ज होता है। तो और इसको इस्तेमाल भी किया जाता है और ये रंग जो है इंसान की ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, एनर्जी के लिए ये है। अब तजाद की जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, तजाद की किताब उसके नौवे बाब के अंदर ये लिखा है, एक जमाना में डर चले ताकि किसी को मसा करके बादशाह बने और कीजिए। दरख्त जो थे आपस में मशवरा करते हैं कि किसी को क्या करें, बादशाह बने। तो उन्होंने जबून के दरख्त से कहा, उनके सामने एक जबून का दरख्त आता है, उसके वो लेते हैं और कहते हैं कि तू हम पर क्या कर, हुकूमत कर, यूं तू यूं कीजिए कि हम ऐसे पर सल्तनत करें, हम पर सल्तनत करें। जबून के दरख्त ने उनसे कहा, बहुत से सुने उसकी तारीफ को, अपनी चटनाहट को जिसके बायस मेरे वसीला से लोग खुदा और इंसान की तासीम करते हैं, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने को। ये जबून का दरख्त जो है उसकी खासी जो है वो फरमाती है, एंजल सारे सर आपका बहुत शुक्रिया। सलाम यीशु के जिंदा जलाल नाम में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने सूर है 133 की तलावत करूंगा। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहे। ये उस बेस्ट कीमत तेल की माने था जो सर पर लगाया और बैठा दाढ़ी पर आ, यानी हारून की दाढ़ी पर, बल्कि उसके मेहमान के दामन तक जा पहुंचाई। यहाँ हारून की ओस की माने है जो सियून पर के पहाड़ों पर फटती है, क्योंकि वहां खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया है। मैं आपका सिर्फ मैं इसलिए बुलाया है जी के बड़ा जबरदस्त और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दिया है जी टेंथ क्लास में। मैं आपके 1076 नंबर है 11वीं से 1100 से। जब तक देखा था तो ए प्लस ही है जी सबका, तो ए प्लस है जी इस हमारी बेटी का। और मैंने अपने बॉस को, ये बेटी है मैं बाद में बुलाता हूँ, मेरे बॉस कौन है, उनको मैंने खास तौर पे कल फोन करके कहा कि आप जब आए तो मैं आपको जरूर लेके आइएगा, क्योंकि ये हमारा फर्ज है बड़े होते हुए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को जो इस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल किस्म का रिजल्ट देते हैं उनको अप्रिशिएट करें ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। जब हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे, जब बच्चे को घर से कॉन्फिडेंस मिल जाता है फिर वो सारी दुनिया को फतह कर लेता है। लेकिन जब घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता आप उसकी जरूरियात को जितना मर्जी पूरा करें, लेकिन जब तक आप उसको घर से कॉन्फिडेंस नहीं देंगे जिंदगी की कामयाबी उसके लिए मुश्किल होती जाती है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम नायाब नासिर को तालियों के साथ वेलकम करें, इनको गिफ्ट दें, इनको हार पहनाएं, और इनको हार पहनाने के लिए कमल थाल रही ये भी स्टूडेंट है आज बेटा आप सबकी थालियों में। काफी देर बाद ऐसा
आप सबको वेरी गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम इन दिस इवेंट। इस इवेंट में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और मैं थोड़े से फर्क तरीके से आपके साथ बात करूंगा। 10 से 12 मिनट में बताऊंगा कि सोसाइटी का क्या रोल है और उसके बाद जो 6-7 मिनट होंगे आप कोई सवाल कर सकते हैं। जितनी भी मैं बात करूंगा उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए इन 15-20 मिनट को, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना है, मैं चाहूंगा कि आपसे भी कुछ सुना जाए। सो थैंक यू सो मच सर वारिस मुझे ये टॉपिक देने के लिए, और मैं समझता हूँ कि इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू कम इन दिस चर्च एंड टू सिट अमंग माय टीचर्स। मैं अपने असातिज़ा के दरमियान बैठकर आज मजीद उनसे सीख सकूँ। सो हम मिलजुल कर एक दूसरे से सीखेंगे और सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आप सबको पता है कि फर्द एक इंसान जो है एक माशरे की बुनियादी इकाई है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन एक इंसान है और वो उसकी इकाई है। जब मुख्तलिफ अफराद मिलते हैं तो एक खानदान बनाते हैं जिसमें 5, 6, 7, 8 एक खानदान की शक्ल में सामने आता है और उसको सोसाइटी में किस तरह से फैमिली को एक दर्जा दिया गया है कि मुख्तलिफ फैमिलीज मिलके एक सोसाइटी बनाती है। और ये सोसाइटी का जो वर्ड है वो सोसाइटस एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस में पहली दफा 12वीं सेंचुरी में या 12वीं सदी में पहली दफा इस्तेमाल किया। और इससे पहले हम देखते हैं कि अरस्तू ने एक खानदान को एक माशरे की बुनियादी इकाई भी कह रखा है। सो हम देखते हैं कि हम माशरे के अंदर क्या वैल्यू रखते हैं या एक माशरे के अंदर हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। मुझे वहां पे सबसे पहले मुझे झोंपड़ी चौक मिली और मैंने तब से सोचा कि मैं अपनी आने वाली नस्ल को ये चीजें नहीं पकड़ाऊंगा। मैंने सुबह 6 से रात 11 बजे तक जॉब की और मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन दे दी और खुदा का शुक्र है मेरे बच्चे अब एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। मेरा सवाल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हम इतने तलीम याफ्ता लोग नहीं थे। मतलब के मेरे कुछ कजन हैं, उन्होंने एफसी कॉलेज से तलीम हासिल की और एफसी कॉलेज में वो टीचर लग गए थे। ये सारा इज्जत और जलाल या शुक्र है, क्योंकि देखो अगर आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे पहले तो हम नॉर्मल जॉब कर देते। अब खुदा का शुक्र है आपके लिए आप और कुछ तलीम हासिल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे दरमियान हमारे चर्च के चेयर सीनियर डॉक्टर साहब बैठे हैं। देखो डॉक्टर साहब के साथ साथ मेरे को किस्मत आई है, एक किस्मत है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन्हें और किस्मत का एक टुकड़ा दिया, कहते हैं ये चर्च हो जा गया और अब वो चर्च के जरिए खुदा के कॉलेज के जरिए और खुदा दे रहे हैं और लोगों को इसी तरह बना रहे हैं कि टर्च में आओ चर्च में आओ। ये हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हर बात के लिए कि अब हमें जो तलीम जाता बहुत ज्यादा हो जाते हैं, शुक्र है खुदा का
हमें अच्छी जॉब भी मिलती है, अच्छी सीट भी मिलती है। पहले ऐसे नहीं होता था, क्योंकि दुनिया को पहचान हो गई है कि यीशु हमारा बाप है, वो हमारा बादशाह है। अगर हम उससे कुछ मांगेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप सवाल करेंगे तो 2-3 मिनट बाद करेंगे। सो पहले सवाल करेंगे।